कृष्ण आडवाणी जी भले आदमी, उनको थोड़ी मालूम था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मैं क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। महापुरुषों के नाम पर मिथकों के नाम पे लड़ाया जाता है। अभी तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उनका बुरा नहीं माना कि भी हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कहना संपत भाई, वाह। इनकी हरकतों पर गांधी भी हंस रहे होंगे स्वर्ग में बैठे। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को एक दुर्घटनाक्रम हुआ बापू की पुण्यतिथि के दिन। कुछ सिरफिरे और भ्रमित लोगों ने एक पुतला बनाया, गोली मारी, सांकेतिक खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी गई। उन मूर्खों को यह तक पता नहीं होगा कि पुतले को गोली मारकर जो सांकेतिक खून निकाला और उस खुशी में जो मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो नोट खर्च हुए उनपे तो गांधी छपे हुए थे। देश सबका है, सब देश के हैं, देश मोहब्बत से चलता है, हाँ, प्रेम और भाईचारे से चलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर देखें, उसका शीर्षक पढ़कर के ही सटायर पैदा होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी खा, एक ले आ, एक तू खाना एक मैं खाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और जो मैंने उससे पूछा आनंद इसका लें, मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल, मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अरे वाह 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 वाह। मैंने क्यों साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो? बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा जब वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई, डिग्री पे क्या सवाल उठाना। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? भाई हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखाई तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और अभी अंजुम जी बेटी 5 में पूछ रही थी, बोले क्यों भाई जी, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। भाई वाह वाह वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया है प्रधानमंत्री ने, शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और भाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन चलेगी जरूर, क्योंकि उस पे शिंजो आबे ने हस्ताक्षर किए हैं और शिंजो आबे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। डिजिटल इंडिया होने से कई चीजें आसान हो गई। हम न सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं
बल्कि एक मिनट में 59 करोड़ का लोन लेकर के भाग भी सकते हैं। व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। अभी तो मैं दवा की दुकान पे गया दवाई खरीदने, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार ने पूछ लिया आज दवा की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, दरअसल दो कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कर रहे हो, बाकी दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि दवा की दुकान के आगे एक दिन के लिए थोड़े बर्तन लगा लेते तो दो पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार पे बड़ा अंकुश लग गया, आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही। जी सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये खाली मूल मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, पेट, भूख, इनसे ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।